Respected elders, professors of this university, the students, and all the colleagues, I welcome all of you with Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Meaning, may the peace, mercy, and blessings of God Almighty Allah subhanahu wa ta'ala be on all of you. The topic of my this session is how to establish peace in the society. Before that, as this is the occasion of Eid Milad, I would like to give a broad introduction or broad, broad clarification about the month of Ramadan. Ramadan, as we hear the word Ramadan, we think about Saum, that is fasting, we think about prayers, we think about Pistaus Haleem, we think about eating. But what is Ramadan actually? Allah subhanahu wa ta'ala says in the glorious Quran, the religious scriptures of Muslims, Allah says in the glorious Quran in Surah Baqarah, Surah number 2, chapter number 2, verse number 185. Allah subhanahu wa ta'ala says, Shahru Ramadan al-lazi unzila fil Quran, hudallin nas wa bayyinati min al-huda wal Quran. That Ramadan is the month in which we have revealed the glorious Quran. We think that the importance of the month of Ramadan is because fasting. No, the importance of month of Ramadan is because in that month the glorious Quran was revealed. Ramadan ek aisa mahina hai, Ramadan ki ahemiyat aur importance isiliye hai kyunki wo mahine mein Allah ne aasman se zameen par glorious Quran ko utara. Ramadan jaise sochte hum sochte hai ki wo khane peene ka ye mahina hai, namaz ka mahina hai bas. Magar Ramadan ki ahemiyat Quran se hai, jo religious scripture hai. और जो मैंने वर्स पढ़ी है कुरान की, शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान, का माना ये कि कुरान जो है ना, द रिलीजियस स्क्रिप्चर ऑफ मुस्लिम, इट इज नॉट मुस्लिम्स प्रॉपर्टी. अल्लाह सेज दैट द मैनकाइंड शुड टेक गाइडेंस फ्रॉम इट. हुदल लिन्नास, नास, नास इन अरबिक, इफ यू ट्रांसलेट इन इंग्लिश इट मींस मैनकाइंड, ह्यूमैनिटी. पूरी इंसानियत कुरान मजीद से क्या करेंगे, गाइडेंस हासिल करेंगे. वो बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान, और कुरान मजीद एक ऐसी चीज है जो आप सही और गलत को डिफरेंशिएट करेंगे. यू कैन डिफरेंशिएट राइट एंड रॉन्ग. अब ईद, ईद मिला, ईद का एक ऐसा मौका है माशाल्लाह. हमारे नबी प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आप जो है ईद की नमाज जो हम पढ़ते हैं ना, ईद में सुबह जो नमाज पढ़ते हैं, ईद की नमाज को जाने से पहले इट इज कंपल्सरी फॉर ए मुस्लिम दैट ही शुड फीड हिज नेबर, दैट यू शुड गिव ए अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स टू योर नेबर और ए मिस्कीन. मिस्कीन इज द पर्सन हु इज इन नीड. जो नीड है एक इंसान को खाने की या पीने की, उसको देने के बाद आप नमाज को जाएंगे. ये हमारी टीचिंग से प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माशाल्लाह. तो ये एक मैसेज था छोटा सा रमजान का, और एक क्लैरिफिकेशन था रमजान के ताल्लुक से, जो हमारे मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स को जानना बहुत जरूरी है. और हाउ टू एस्टैब्लिश पीस इन द सोसाइटी. पीस इन द सोसाइटी कैन बी एस्टैब्लिश इफ यू हैव टॉलरेंस. आपके अंदर टॉलरेंस रहना चाहिए. एग्जाम्पल फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. व्हेन प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्कर्ड मक्का, ही हैड अ विक्ट्री ऑन द सिटी ऑफ मक्का, ही सेड, हिज स्टेटमेंट्स रिकॉर्डेड एज, टुडे इज द डे दैट आई फॉरगिव ऑल द नॉन मुस्लिम्स. टुडे इज द डे दैट आई फॉरगिव ऑल द नॉन मुस्लिम्स, मीनिंग आज वो दिन है जो मैंने पूरे नॉन मुस्लिम्स को क्या किया, माफ किया. और वो नॉन मुस्लिम्स कहते थे, आपको पता है, वो नॉन मुस्लिम्स ऐसे थे जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, प्रॉफेट को, उन्होंने पत्थरे मारे, उनको शहर के बाहर कर दिया, उनको गाली गलौज किए, बुरे बातें करे, बहुत गंदी गंदी बातें करे, उनको मारा, उनके कंपेनियंस को मारा. इतना जुल्म ढाने के बाद, इतना जुल्म सहने के बाद, जब वही सिटी पर प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कॉन्कर किया, विक्ट्री पाई, उनका काम क्या था, वो तो एक बादशाह बन गए थे, एक विक्ट्री आ गई थी. चाहे तो वो पूरे नॉन मुस्लिम्स को मार सकते थे, उनको तकलीफ दे सकते थे. जब मौका आया तकलीफ देने का, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेड, आज वो दिन है, मैं पूरे नॉन मुस्लिम्स को क्या करता हूँ, माफ करता हूँ.
This is the teaching of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But today, unfortunately, by the existence of some black sheep, देखिए हर कम्युनिटी में ब्लैक शीप्स होते हैं, हर कम्युनिटी में बुरे लोग होते हैं, उनकी हरकत को देखकर, उनके एक्शन को देखकर सारी कम्युनिटी को क्या किया जाता है, बदनाम किया जाता है। कि नहीं, आज आलमी पैमाने पर दुनिया के नक्शे पर आप देखेंगे, दुनियावी पैमाने पर अगर आप देखेंगे तो क्या होता है भाई, हिंदू मुस्लिम भाई एक दोनों के बिल्कुल खिलाफ है, एक दोनों खाली लड़ते हैं, ये प्रोजेक्ट करते हैं। मगर कितना बेहतरीन हमारा एग्जाम्पल है, कितना बेहतरीन हमारे टीचिंग्स दिए गए हैं। अगर आप पढ़ेंगे हमारी कुरान में सूरह अनाम चैप्टर नंबर 6 एंड उसकी वर्स नंबर 108, गॉड ऑलमाइटी कहते हैं हमें, क्या कहते हैं, तुम दूसरे मजहब के खुदाओं को बुरा ना कहो। क्या कहते हैं, तुम दूसरे मजहब के खुदाओं को तुम बुरा ना कहो। अब जो गैर मुसलमान है, वो नॉन मुस्लिम है, वो सोचते हैं कि मुसलमान देखते ही हमारे खिलाफ है, हमारे ये खिलाफ बोलेंगे, हमारे से जंग छेड़ देंगे। और कभी भी एक दाढ़ी वाले मुसलमान या टोपी वाले मुसलमान को देखते कहते कि भाई माइट बी इज अ टेररिस्ट, राइट, इज हैविंग इज स्पोर्टिंग अ बियर्ड एंड इज हैविंग अ कैप, माइट बी इज अ टेररिस्ट। नो, हम टेररिस्ट नहीं है। और पीसफुल सोसाइटी कायम करने के लिए मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स को जब एक सोसाइटी में रहना है, दे नीड टू हैव टॉलरेंस इन देम, एक दूसरे को सबर कर चलना है। ये हमारे टीचिंग से, ये टीचिंग से कुरान मजीद के, जो अल्लाह सुभान व तआला ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुद की जिंदगी के एग्जांपल से, जब भी उन पर कुछ तकलीफ आए, उन पर परेशानी आए, जो कोई भी उनको परेशानी और तकलीफ दी, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही प्रैक्टिस था कि उनको माफ करते चले। यही हमको हमारी सोसाइटी में प्लीज कायम करने के लिए यही प्रैक्टिसेस कायम करना है, ताकि मुस्लिम्स हो, नॉन मुस्लिम्स हो, क्रिश्चियंस हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, पारसी हो, यहूदी हो, चाहे कोई मजहब का हो, सारी दुनिया में टॉलरेंस आने से पीसफुल सोसाइटी कायम होती है। इसी के साथ मैं अपने शॉर्ट स्पीच को खत्म करता हूँ। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।